अब हमने जो आगे तीन प्रॉपर्टीज देखी अभी, कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज थी? एक यूनिट डिजिट वाली, एक नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर का स्क्वायर इवन और नंबर का स्क्वायर ऑड। ये उसी के नंबर्स, उसी प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 5555। इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यानी लास्ट में डिजिट क्या होगा? तो व्हाट यू हैव टू चेक, फाइव का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है? फाइव का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 उसका यूनिट डिजिट इज 5। तो उस हिसाब से ये लिखोगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है उसका रीजन लिखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस चेक करो इसमें क्या है, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करो इसमें। थर्ड, इज 1069 परफेक्ट स्क्वायर? 1069 परफेक्ट स्क्वायर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम, यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, उसमें अगर ये वैलिड है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका रीजन वही लिखोगे। What will be unit digit of the squares of the following numbers? 81। इसका सिर्फ हमें यूनिट डिजिट बताना है बेटा, सिर्फ यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर्स नहीं लिखना है, सिर्फ इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सम मैं करके देती हूँ, जैसे 81 है, तो 81 का स्क्वायर हमें पीछे क्या चेक करना है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसका यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट विल बी 1। बस इतना ही लिखना है। ऐसे यहाँ पे पीछे क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 9। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 का यूनिट डिजिट इज 1। तो अगेन 9 का क्या होगा? यूनिट डिजिट 1। ऐसे ही सारे सम्स करने हैं। और लास्ट इज राइट एंड लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से लेकर 30 सबके स्क्वायर्स लिखने हैं और उसे लर्न कर लेना है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, यहां तक कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में हम इसके फर्दर आगे के टॉपिक लेंगे बेटा, तो यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए तब तक। ओके।